तो चलिए स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनके सैन्य सुधार के बारे में, सामाजिक सुधार के बारे में। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि 4,000 की स्टूडेंट्स ये सेना रखता था। तो स्टूडेंट्स, सैन्य सुधार क्या किए? सबसे पहले तो वृद्ध सैनिकों को सेवानिवृत्ति, उनको समझाया कि आप युद्ध के लायक नहीं है, पेंशन देना आरंभ किया। देखिए स्टूडेंट्स, वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर सेवानिवृत्त किया कि आप जाइए, घर रहिए, मैं आपको पेंशन देता हूं। पहला सुल्तान था स्टूडेंट्स जिसने पेंशन दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेना को नगद वेतन। पहला सुल्तान था स्टूडेंट्स जिसने नगद वेतन दिया। एक अश्व यानी कि एक घोड़े वाले सैनिक को स्टूडेंट्स 234 टंका वेतन वार्षिक मिलता था। 234 टंका वेतन स्टूडेंट्स वार्षिक मिलता था। यदि कोई सैनिक दो घोड़े रखता तो स्टूडेंट्स उसको 378 टंका वार्षिक मिलता था। प्लस स्टूडेंट्स 78 टंका भत्ता दिया जाता था। ये सैनिकों को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने देना स्टूडेंट स्टार्ट किया। देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, घोड़ों को दागने की प्रथा। स्टूडेंट्स, घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट, क्योंकि समझिए स्टूडेंट्स, उस टाइम पे जो घोड़ों का मूल्य होता था, देखिए अच्छे घोड़े का मूल्य वो होता था स्टूडेंट्स 100 से लेकर 200 टंका तक स्टूडेंट्स होता था। अब देखिए, जो मध्यम वर्ग के घोड़े होते थे स्टूडेंट्स, उनका लगभग 90 से 100 टंका, और जो स्टूडेंट्स तृतीय श्रेणी के घोड़े होते थे, दुबले पतले घोड़े होते थे स्टूडेंट्स, उनका जो है 60 से लेकर 80। इसके सैनिक क्या करते थे, 200 के आसपास का घोड़ा आपने लिया और उसको रिप्लेस कर दिया, 60 वाला लेके आए दुबला पतला, तो स्टूडेंट्स वो युद्ध में काम नहीं देते थे। इस वजह से जो है स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट की और कहा कि कोई भी जिस घोड़े पर दाग या निशान जो है उसको कोई आम नागरिक खरीद नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे घोड़ों की जो अदला बदली थी वो बंद। तीसरा स्टूडेंट्स देखिए, उलिया दर्ज करने की प्रथा। उलिया दर्ज करने की प्रथा, स्टूडेंट्स इतनी बड़ी सेना है और उसका आप उलिया दर्ज आज भी हमारी सेना के अंदर करते हैं। क्या होता था कि युद्ध में किसी और को भेज देना, अपने स्थान पे किसी और को भेज देना, तो स्टूडेंट्स उस वजह से इसने क्या किया, उलिया दर्ज करने की प्रथा स्टार्ट की। तो स्टूडेंट्स, दीवान ए आरिज एक विभाग, दीवान ए आरिज स्टूडेंट्स वो क्या करता था, वो सभी सैनिकों का उलिया अपने पास रखता था। स्टूडेंट्स, सीधी भर्ती की जाती थी सैनिकों की, सेना मंत्री सीधे सैनिकों की भर्ती करता था। स्टूडेंट्स, उस टाइम पे सेना मंत्री को आरिज ए मुमालिक कहते थे। सेना मंत्री को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था, जो सीधी भर्ती करता था। स्टूडेंट्स, जो सैनिक भर्ती होता था, प्रक्रिया से गुजरता था, उस टाइम भी उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, मुर्तब। देखिए क्या वर्ड यूज किया गया है, मुर्तब, कि जो समस्त सैनिक प्रक्रिया के द्वारा भर्ती होता था सेना में, उसको स्टूडेंट्स उस टाइम पे मुर्तब कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये इन्होंने सैन्य सुधार किए,
घोड़े को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा, तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी और बेहतर तरीके से अपनी सेना को मेंटेन कर पाई। फिर देखिए स्टूडेंट्स, समाज में उस टाइम पे काफ़ी बुराई फैली हुई थी। उदाहरण के तौर पे शराब, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति काफ़ी बुराइयाँ थी स्टूडेंट्स, जादूगिरी। तो देखिए इन्होंने समाज में क्या क्या सुधार किए। स्टार्टिंग में देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स इन्होंने शराबबंदी की। आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी भी काफ़ी शराब पीते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने भी शराब पीना बंद कर दिया और स्टूडेंट्स अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में पेश किया। हालांकि चोरी छुपे लोग शराब पीते थे, लेकिन तकरीबन शराब का पीना बंद हो गया था। और देखिए स्टूडेंट्स, वेश्यावृत्ति, स्टूडेंट्स इसने वेश्यावृत्ति को भी बंद कर दिया था। साफ साफ बोल दिया था इन्होंने वेश्याओं को कि आप निश्चित समय के अनुसार आप विवाह कीजिए या फिर आप देश छोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, और एक सामाजिक सुधार, जादूगिरी पर रोक, जादूगिरी पर रोक। स्टूडेंट्स जादूगर थे, भोले वाले जनता को ठग लेते थे, तो इन्होंने जादूगरों को देश से बाहर किया। और स्टूडेंट्स ऐसा भी प्रमाण मिले हैं कि जादूगरों को पत्थर मार मार के स्टूडेंट्स इन्होंने जो है वहाँ पे जो है मार दिया गया। जुआ खेलने पर प्रतिबंध, जुए पर प्रतिबंध। स्टूडेंट्स इनका एक और बड़ा कदम कि आप जुआ नहीं खेल सकते, जितने बड़े जुआरी थे उनको देश से बाहर, सल्तनत काल से बाहर कर दिया। तो स्टूडेंट्स याद रखे जाएंगे, अपने समय में सेना के बेहतर संचालन के लिए एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में, लेकिन स्टूडेंट्स इनका जो अंतिम समय था वो काफ़ी कहूँगा कि एक बुरा दौर स्टूडेंट्स इनका था, एक बुरा समय बीता इनका। एक तो अत्यधिक मेहनत के कारण, काफ़ी मेहनत की अपने लाइफ में, मंगोलों के साथ संघर्ष किया उसमें भी काफ़ी मेहनत की, साम्राज्य विस्तार में भी काफ़ी मेहनत की। तो स्टूडेंट्स एक तो अत्यधिक मेहनत के कारण प्लस विलासिता के कारण इनका आखिरी समय में स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया था। तो स्टूडेंट्स आखिरी समय कमज़ोर होने की वजह से मलिक काफू जो गुजरात से लेके आए थे, जिन्होंने दक्षिण अभियान में इनका जो है पूरा सहयोग किया था मलिक काफूर ने, वो इनके काफ़ी करीब आ गए थे। वो करीब आने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने सुल्तान की पत्नी को, अलाउद्दीन की पत्नी को और उनके बच्चों को जेल में डलवा दिया स्टूडेंट्स। और 6 जनवरी 1316 को स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को जहर दे दिया। तो स्टूडेंट्स 6 जनवरी 1316 को जो है जहर दे दिया, और छः साल के सुल्तान के लड़के को स्टूडेंट्स एक जाली उत्तराधिकार का पत्र दिखाया कि देखिए अलाउद्दीन ने ये उत्तराधिकार नामा लिखा था। किसके नाम लिखा था स्टूडेंट्स? उमर खान के नाम, उमर खान। 6 साल की उमर खान को उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया एक जाली जो है उत्तराधिकार पत्र दिखा के। और स्टूडेंट्स खुद ये उनके संरक्षक बन जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स ये खुद शासक बनते हैं। 35 दिनों तक ये शासक रहते हैं। जाते बात करते हैं मलिक काफूर की, स्टूडेंट्स ये 35 दिन तक शासन करते हैं। हालांकि हिजड़ा होते हुए इन्होंने जो है शादी की, उमर खान की जो है माँ से शादी की, तो स्टूडेंट्स 35 दिन तक ये शासक रहे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए बात करते हैं इनकी भी हत्या, सुल्तान के तीसरे लड़के, लिखते रहिए स्टूडेंट्स, सुल्तान के तीसरे लड़के मुबारक खिलजी, सुल्तान के तीसरे लड़के स्टूडेंट्स मुबारक खिलजी ने स्टूडेंट्स 11 फरवरी 1316 को मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए मलिक काफूर बनते हैं, एक मिनट देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको साफ कर देता हूँ। आई होप कि आप सभी फैक्ट अच्छे से उतार रहे हैं स्टूडेंट्स। मुबारक
kilzi, mubarak sha, mubarak sha, kilzi, sultan ke tisre putr, halaki jail mein the, Malik Kafur ne inko marwane ke liye bheja tha, lekin students chalaki se bahar aate hain aur Malik Kafur ko maar dete hain 11 फरवरी 1316। स्टूडेंट्स ये 1316 से 1320 तक स्टूडेंट्स ये शासन करते हैं। स्टार्टिंग के दो वर्ष स्टूडेंट्स ये बेहतर मेहनत करते हैं, यानी कि जो नियम अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े सख्त कानून लगाए थे, ये स्टूडेंट्स उनको थोड़ा ढील भी देते हैं, अमीर वर्ग को अपने पक्ष में भी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स दो वर्ष के बाद ये भी विलासिता की तरफ जाते हैं। वह हिम्मत पान तो स्टूडेंट्स इतने शराब पीते थे कि कई बार दरबार में नंगे भी आते थे, तो स्टूडेंट्स और ज़्यादा शायद मैं आपको नहीं बता पाऊँ, लेकिन इतना कहूँगा कि 1320 तक आते आते खिलजी वंश समाप्त होता है और स्टूडेंट्स गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। तो स्टूडेंट्स 1320 से हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में कि किस तरह से तुगलक वंश स्टूडेंट्स की नींव रखी जाती है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट ये है कि कितनी भी वीडियो आए हिस्ट्री की, उसके अंदर जो मेटेरियल वो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो। जैसे आपने पढ़ा, आप शायद ये बोरिंग फील कर रहे होंगे कि अलाउद्दीन तीन पार्ट में चला है, तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट है तो चलाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम प्रयास करेंगे कि वीडियो की संख्या चाहे बढ़ जाए, लेकिन आपको वो पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सल्तनत काल में, तो स्टूडेंट्स पढ़ाना पड़ता है। वीडियो की संख्या में मत जाइए, मेटेरियल के ऊपर जाइए, आप सामग्री के ऊपर जाइए जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स चलो ठीक है, खुश रहिए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश की। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुश होकर अपने टारगेट की तरफ बढ़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए, खुश हो गए। जय हिंद, जय भारत।